पहले चीज़ मैं आपको कहूँगी, वी शुड प्रे, हमें दुआ करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के रहने वाले लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से सर्वाइव करना चाह रहे हैं, उन सब के लिए। अपनी नमाज़ों का ट्रैक रखें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। हमें इतना अच्छा मौका मिला है विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट एनी थिंग, कि हम अपनी नमाज़ों का ट्रैक रख के चीज़ों को बेहतर बनाएँ। अगर आपके घर में गार्डन या छोटे छोटे पॉट्स हैं प्लांट्स के, तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। अ ह्यूमन लव ग्रीनरी, आप ग्रीनरी में बैठें, थोड़ा सा उनको टाइम दें और वक्त आने पर उनको पानी भी दें, क्योंकि जितना आप इनके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतना आपको ऑक्सीजन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो स्पेंड सम टाइम विद प्लांट्स एज वेल। बचपन में हमारे बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि हम बड़े होकर छोड़ देते हैं, जिसमें कैलीग्राफी है। ये वीडियो मेरी नहीं है, मुझे कैलीग्राफी में ना इंटरेस्ट है ना मुझे आती है। दिस इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ प्रैक्टिसिंग कैलीग्राफी एट हर प्लेस। शी वॉज सो गुड इन एट, नाउ शी इज़ प्रैक्टिसिंग एट, और वो उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। इसी तरह आपकी भी बहुत सारे शौक़ होंगे और बहुत सारी ऐसी स्किल्स होंगे जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर वो आप भूल गए हैं या कहीं पीछे छूट गई हैं। उन पे थोड़ा सा काम करें, उनमें इम्प्रूवमेंट लाएं। उनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, टाइपिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं, अपने मेकअप पर भी काम कर सकते हैं, हेयर स्टाइलिंग पे भी कर सकते हैं। जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं, स्किल्स लाएं अपने अंदर, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न एनी स्किल। कीप योर सेल्फ क्लीन, रोज़ नए कपड़े इस्त्री करें, नए सूट जो आपके घर में मौजूद हैं वो पहनें, नहाएं, धोएं, अपना ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं कि साफ़ सुथरा रहने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, बल्कि बात यह है कि सफाई नफ्स ईमान है, साफ़ सुथरा रहने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अपना खाना खुद बनाएं। साल भर मास्टर शेफ़ की वीडियोस देखने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। पूरा साल हम मास्टर शेफ़ की वीडियोस देखते हैं और ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में कभी टाइम मिला तो शायद बना ही लेंगे। टाइम निकाले कुछ हफ्ते लिए, और अगर कुछ ज़्यादा नहीं तो अपना नाश्ता तो खुद बनाएं, क्या पता पहले दिन मेरी तरह ब्रेड ही जला लें। ट्राई सम डिफरेंट फूड जिनके आप खाना चाहते हैं, या फिर आप बाहर जाके ट्राई करना चाहते हैं, उनको घर में बनाएं और घर में ही ट्राई करें, इससे पहले कि मेरा अंडा भी सड़ जाए। वॉच मूवीज, ड्रामाज एंड सीजन। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के वो सारे सीजन्स जो आपके प्लान में थे या आपसे मिस हो गए, वो सारे देखें। और वो सारी मूवीज़ जो बहुत पुरानी हैं या जो रह गई या कभी सोचा था कि वक्त मिलेगा तो देख लेंगे, लिस्ट देम डाउन एंड वॉच देम ऑल। रीड डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट बुक्स पढ़ें जो कि आपकी नॉलेज में इजाफा करें, चाहे वो जनरल नॉलेज की बुक हो, नॉवेल्स हों, या फिर वो बुक्स जो आपने कभी सोचा हो कि वक्त मिलने पर पढ़ लेंगे। ठीक है, आप घर के अंदर बंद हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप बुक कैसे लेंगे? इट्स नो अ बिग डील, गो एंड सर्च ऑन गूगल, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। राइट नाउ आई एम रीडिंग द बिजनेस बुक, जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। आप भी अपनी फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट इंटरेस्टिंग बुक्स ढूंढें और पढ़ें, क्या पता कुछ ना कुछ आपके नेचर का आपको मिल जाए और आपको पता चले कि आपको इसी गलत फील्ड में है, आपको कोई और फील्ड चूज़ करनी चाहिए थी। अपने साथ साथ अपने कमरे को भी साफ़ सुथरा रखें। वो सारी चीज़ें जो आपने ख़रीद के रखी नहीं थी कि कभी आप अपने रूम को इसके साथ डेकोरेट करेंगे, उन सारी चीज़ों को उन्हीं जगहों पे लगाएं जो आपके प्लान में थी। और जैसे हम सब जानते हैं कि मौसम की तब्दीली की वजह से हमने बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जो सॉर्ट आउट नहीं किए होंगे, लाइक सर्दियाँ चली गई हैं और गर्मियाँ आ गई हैं, तो अपने कपड़ों को सॉर्ट आउट करें, सर्दियों को अलग करें, गर्मियों के कपड़ों को अलग करें, शादी ब्याह की चीज़ों को अलग करें, बिकॉज दिस इज़ ऑर्गेनाइजिंग। जितना आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, उतना गंद कम फैलता है, और उसकी वजह से आप साफ़ सुथरे भी रह सकते हैं और हर चीज़ आपके सामने मौजूद होती है कि कौन सी चीज़ आपने कैसे और किस तरह प्लान करनी है। सेकेंड थिंग, आप सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ों के सही तरीके से ना रखें, बल्कि अपनी उन सारी चीज़ों को उन जगहों पर रखें जहाँ से वो बिलोंग करती हैं। जो चीज़ की जो जगह है उसको वहाँ रखें, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो आपकी आम ज़रूरियात की चीज़ें भी हैं, जहाँ से उठाएं वहीं वापस रखें, ताकि कम से कम बखेड़ा हो
और कम से कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आप रोज़ गंद फैलाएंगे और रोज़ साफ़ करेंगे, दैट इज़ समथिंग वियर्ड। और अगर आप रोज़ फैला के 4 दिन बाद सफाई करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वियर्ड। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ जहाँ से उठाएं वापस उसको उसी वक्त वहीं रख दें, ताकि जो आपने चीज़ें पहले ऑर्गेनाइज और रीडेकोरेट की हैं वो आपकी बिल्कुल सही जगह पर रखी रहें।